स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चैप्टर पे आते हैं. चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम. इस चैप्टर है बेसिकली डिपेंड करता है हमारा रिसोर्सेज पर. रिसोर्सेज होता क्या है? रिसोर्सेज हमारा एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारी बेसिक नीड फुलफिल होती है. लाइक अभी आप क्या कर रहे हैं? फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं. वीडियो देख रहे हैं फ़ोन से, तो ये जो फ़ोन है वो आपका क्या है? रिसोर्स है. इट कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड. ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है. नेचुरल लाइक आपका सनलाइट हो गया, एयर हो गया, और मैन मेड. मैन मेड जैसे आपका बिल्डिंग्स है, चेयर है जो हम लोगों ने बनाई है. अब हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स. फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल एंड सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल. जो इनएग्जॉस्टिबल है वो एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ही अनलिमिटेड अमाउंट में हमारी अर्थ में, और ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकता. लाइक हमारा सन लाइट एयर आप कितना भी यूज़ कर लो बट ये ख़त्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो इसको हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. एग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब अगर हम उस रिसोर्स को एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर ले तो इन फ्यूचर वो ख़त्म होगा. जैसे कोल है, कोल हमारा लिमिटेड अमाउंट में, और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले तो वो क्या होगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, हमारे अर्थ में नहीं मिलेगा. ओके बच्चे, अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोल है. कोल पे आते हैं. कोल बच्चे एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ब्लैक कलर का हार्ड स्टोन जिसे कह सकते हैं, जिसे हम कोयला भी कहते हैं हिंदी में. ये जो कोल है हमारा कुकिंग में भी यूज़ होता था, कुकिंग में यूज़ होता भी है, बट गांव साइड के एरिया में, अगर आपका गांव वगैरह होगा तो आपने देखा होगा. और पहले के टाइम पे ये जो रेल के इंजन होते थे ना, उसके अंदर भी यूज़ होता था हमारा, रेल चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, है ना. और हमारे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है अभी भी, और पहले तो होता ही था. चलो बच्चे, अब हम आते हैं स्टोरी ऑफ कोल में. स्टोरी ऑफ कोल क्या कहती है? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड. ये जो हमारा कोल है हमें कहाँ से मिला और ये कैसे बना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है. आप सुनेंगे ध्यान से तो बहुत आपको एक तो इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ही नॉलेज मिलेगी. चलो आ जाओ ध्यान से सुनते हैं. अबाउट 300 मिलियंस ईयर एगो. अगर ये 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा है, इट मीन्स जो हमारा कोल है वो 300 मिलियन ईयर एगो पहले ही इन्वेंट हो चुका है. तो हुआ क्या था, 300 काफ़ी साल पहले एक डेंस फॉरेस्ट था. डेंस फॉरेस्ट में ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस हमारा फ्लडिंग आई, आंधियां आई, बारिश आई, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिस वजह से जो हमारे फॉरेस्ट के ट्रीज थे वो क्या हुए, सॉइल के नीचे दब गई. अब धीरे धीरे उनके ऊपर एक सॉइल की लेयर चढ़ती गई. अब धीरे धीरे चढ़ने के कारण वो नीचे कंप्रेस होते गए. जैसे ही वो नीचे दबते गए उन पर एक प्रेशर लग रहा था. क्या लग रहा था? प्रेशर. उस प्रेशर और उस टेम्परेचर की वजह से, जैसे ही नीचे जाते रहेंगे, आपको पता है अर्थ के नीचे टेम्परेचर हमारा हाई होता है. तो क्या हुआ, नीचे जाते जाते वो जो हमारा डेड वेजिटेशन था, डेड वेजिटेशन मतलब जो हमारे डेड प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे किस में, कोल में कन्वर्ट हो गए. अब कोल में कन्वर्ट हो गए जो ये जो प्रोसेस है पूरा, डेड वेजिटेशन कन्वर्टेड इंटू कोल, ये पूरे प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा. फॉसिल फ्यूल बताने से पहले मैं आपको फ्यूल के बारे में बताऊंगी. फ्यूल होता क्या है? फ्यूल एक सब्सटेंस है या कोई भी थिंग है जिसको अगर आप बर्न करोगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा. लाइक हमारा कोल है, कोल को अगर आप जलाते हो तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. तो उसको हम फ्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्यूल्स. अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता ही है, ऊपर हमने पढ़ा है जो पूरा प्रोसेस है उससे हमें एक फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं. जैसे हमें कोल मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई, तो ये सारा क्या है, फॉसिल फ्यूल्स होता है. अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा कोक है, कोक क्या होता है? कोक एक टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट मींस एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जिसके अंदर पोरस होता है छेद, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद हो. ये हमारी मेनली कहाँ काम आते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ जैसे हमारी स्टील बनाने के लिए काम आता है मेनली. ये आपके इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि ये स्टील बनाने के लिए काम आते हैं. अगर हम कोल तार की बात करते हैं,
खोल तार क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब गंदी सी थोड़ी स्मेल होती है, और ये जो मिक्सचर है ये 200 सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। खोल तार आपका 200 सब्सटेंस से मिलकर एक खोल तार बना हुआ है। ये बहुत ही सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे आपका परफ्यूम यूज़ करते हो आप उसमें यूज़ होता है, प्लास्टिक पेंट हमारा डाइज हो गया, बहुत से ड्रग्स वगैरह सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात है, नैप्थलीन बॉल्स देखी होगी आपने अपने घर पे, जो मम्मी कपड़ों के बीच में रखती है ताकि कीड़े ना आए वाइट कलर के, तो वही हमारा वो भी जो नैप्थलीन बॉल्स होती है वो भी कोल तार से बनती है। और जो आपने देखा होगा आजकल कोल तार देखा होगा जिससे रोड भी बनती है ना, तो बिट्यूमिन हमारा वो होता है, कोल होता है जिससे हम लोग कोल तार बनाते हैं और उससे हमारी रोड बनती है। अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं कोल गैस, कोल गैस हमारा क्या होता है, जब हम कोल से कोक बनाते हैं, जब कोल से कोक बनाते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर एक गैस निकलती है जिसे हम कोल गैस कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी हमारा लंदन में स्ट्रीट लाइटनिंग में। बच्चे हम लोग पेट्रोलियम में आते हैं, पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम और कोल की फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता भी होना चाहिए। जो पेट्रोलियम है हमारा वो सी के अंदर फॉर्मेशन होती है उसकी, वो मैं अभी बताऊंगी कैसे होती है, और कोल की जो मैं बता चुकी हूँ कि अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे उसकी सारी फॉर्मेशन होती है वो आप पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस। अब देखते हैं हम पेट्रोलियम है क्या, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, पेट्रोलियम हमारा है क्या। आपने पेट्रोल और डीजल के बारे में तो सुना ही होगा जो व्हीकल्स को चलाने में यूज़ होता है ना। ये जो पेट्रोल और डीजल है वो हमारा किससे मिलता है, पेट्रोलियम से। एक प्रोसेस होती है इंडस्ट्री वगैरह में जिससे हम पेट्रोल और डीजल निकालते हैं पेट्रोलियम से। अब आप बात पूछेंगे कि मैम पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, तो पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम हमारा जो हमारी सी होती है उसके अंदर जो डेड बॉडीज़ होती है, डेड बॉडीज़ लाइक जो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके मरने के बाद वो क्या होते हैं, नीचे सेटल्ड हो जाते हैं सी के ग्राउंड पे, तो क्या होते हैं धीरे धीरे उनके ऊपर भी लेयर बनने लग जाती है, किसकी, सैंड की, क्ले की, है ना, एक के ऊपर लेयर, एक के ऊपर एक लेयर बनने लग गई। और उसके बाद क्या होता है, प्रेशर, हाई प्रेशर होने के कारण, नीचे हाई प्रेशर होने के कारण और हाई टेम्परेचर होने के कारण वो भी जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में। तो ये हमारा मेन पार्ट था इसका, आप याद रखना। अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या है, हमारा पेट्रोलियम इज़ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम का मैं बता दूँ तो ब्लैक कलर का एक डार्क ऑयली सा लिक्विड होता है, उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही थोड़ी गंदी सी होती है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमारा पेट्रोल निकलता है उससे, हमारा डीजल निकलता है उससे, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल क्या होता है, जो अगर दरवाजे थोड़े से ख़राब हो जाते हैं या कर कर करने लगते हैं तो उसमें हम ल्यूब्रिकेंट ऑयल डालते हैं, वैक्स, जो वैक्स बनती है हमारी, ये सारी किससे बनती है, सारे पेट्रोलियम से ही हमारे ऑब्टेंड होते हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये जितना भी चीज़ें हमारी निकलती है पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें, ये सारी पेट्रोलियम रिफाइनरी से ही हम ऑब्टेन करते हैं, इसके अंदर सारा प्रोसेस होता है, आप फोटो में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आप जानते होंगे सीएनजी। सीएनजी हमारा क्या होता है, कार्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। कार्स वगैरह के अंदर क्यों यूज़ होता है, एक मेन रीज़न है, सबसे पहले एक तो ये ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजीली होगा, और सबसे बड़ी बात है ये पॉल्यूशन बहुत कम करता है, तो इसको हम एक क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। पॉल्यूशन कम होने के कारण ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं अपनी कार में डालने के लिए और कोई भी अपना व्हीकल। तो ये हमारा नेचुरल गैस की बात आई, अब आपको समझ में आ गया सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। एक बड़ी बात वैसे आपको पता होगा पर फिर भी मैं बता दूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म होती है, इन फ्यूचर आपको काम भी आएगी याद रखना। हम बात करते हैं सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसने जो 5.4 पे आपको पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कुछ जो हमारे ऐसे सब्सटेंस है जो लिमिटेड अमाउंट में, उनको क्या कहते हैं, थोड़ा याद करो और बताओ, उनको कहते हैं एग्जॉस्टिबल। अगर हम एक सब्सटेंस को अगर एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर ले तो एक टाइम बाद वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मैंने बताया था आपको। तो इन्होंने क्या कह रखा है
हम लोगों को पेट्रोल, डीजल इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी फ्यूल्स हैं और हमारा कोल, पेट्रोलियम, में क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकें। तो इन्होंने कुछ अपने पर्सपेक्टिव दे रखे हैं और एडवाइसेस दे रखी हैं कि कैसे आप इसको चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। पहला पॉइंट है ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। मतलब अगर आप कोई भी व्हीकल से अपना ड्राइव कर रहे हो, उसको कॉन्स्टेंट स्पीड पर रखो जितना हो सके। लाइक आपका रेड लाइट आती है तो उधर आप स्विच ऑफ करो अपना इंजन, अगर ज़्यादा टाइम के लिए रेड लाइट है तो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर के अंदर जो एयर होती है वो भी अपनी करेक्ट होनी चाहिए, लाइक ये नहीं कम उस पे आप चला रहे हो। और हमारा मेंटेनेंस व्हीकल का मेन वो क्या टाइम